नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी मनोज पांडे। भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड दौरे पर है। कल देर शाम निर्वाचन आयोग की टीम रांची पहुंची और आज रांची से सटे रामगढ़ जिला के पतरातू डैम के पास रिसॉर्ट में झारखंड के सभी डीसी, जो जिला निर्वाचन पदाधिकारी कहलाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से, उनके साथ बैठक थी। और एक तरफ बैठक हो रही थी और दूसरी तरफ राजनीति काफ़ी गर्म थी। चर्चा ये है कि क्या झारखंड में चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। इन चर्चा के बीच आज झारखंड मुक्ति मोर्चा का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने जो कुछ भी कहा वो काफ़ी गंभीर बातें थी। उन्होंने जिस तरह से निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि जिस तरह से अब तक भारतीय जनता पार्टी सीबीआई और ईडी का प्रयोग कर रही थी, अब ईसीआई का भी प्रयोग कर रही है। यानी सुप्रियो भट्टाचार्य ये कहना चाह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है कि झारखंड में समय से पहले चुनाव करा लिया जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अभी हाल ही में हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आए तब झारखंड में सत्ता परिवर्तन हुआ। हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। उस जेल जाने के बाद चंपई सोरेन यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, फिर कैबिनेट का विस्तार हुआ। उससे पहले सरकार ने विधानसभा में बहुमत हासिल किया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने यहाँ तक कह दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं वह टूरिज्म करने के लिए यहाँ पर आते हैं। पॉलिटिकल टूरिज्म शब्द उन्होंने कहा। इस तरह से कई तरह के सवाल भी सुप्रियो भट्टाचार्य ने सवाल खड़े किए और उसके थोड़ी ही देर बाद भाजपा के तरफ से भी बयान आ गया और उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा को आड़े हाथों लिया। आज पांडे जी के साथ इसी मसले पर चर्चा करेंगे और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सचमुच में समय से पहले झारखंड में चुनाव होने जा रहा है, जो अब हर किसी की जुबान पर ये चर्चा का विषय है। क्योंकि 2019 में जो चुनाव हुआ था वो 5 फेज में चुनाव हुआ था और 30 नवंबर से लेकर 20 दिसंबर तक चुनाव हुआ था। और अभी जब ये हम लाइव आपके साथ आए हैं, अभी जुलाई का महीना है, कहा जा रहा है कि अक्टूबर महीने में ही चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। कई और अलग अलग स्टेट के साथ यहाँ भी चुनाव हो सकते हैं। पांडे जी, भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन पदाधिकारी धर्मेंद्र शर्मा और नितेश व्यास झारखंड दौरे पर आए थे। पतरातू में उनकी बैठक हुई। कल भी कुछ अधिकारियों का रांची में दौरा है। क्या माना जाए कि ये सब कुछ अचानक से हो रहा है और ये तेजी इसलिए है कि समय से पहले चुनाव करा लिया जाए? दरअसल यही वजह है इस चर्चा का। क्योंकि महाराष्ट्र और हरियाणा या जो चुनाव होते हैं वो झारखंड से 1-2 महीने पहले होते हैं और उसके बाद झारखंड की बारी आती है। लेकिन इस बार जो केंद्रीय चुनाव आयोग है, मतलब हमारा, उन्होंने तीनों स्टेट में फिर से मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम एक ही साथ शुरू किया। अच्छा, इसीलिए सबसे ज़्यादा शक जा रहा है। हाँ, इसीलिए ये डिबेट का विषय है या आशंका का विषय है कि तीनों राज्यों में एक साथ चुनाव हो सकते हैं। इसी से, और कोई इसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ कि ना तो चुनाव आयोग ने कोई इशारा किया ना किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, मतलब ये मुद्दा इसी वजह से चर्चा में आया क्योंकि तीनों स्टेट में एक साथ मतदाता सूची को फिर से पुनरीक्षण का काम शुरू हो गया। दरअसल होता क्या है कि कभी भी जब चुनाव होते हैं उससे पहले डिलीट होना, जो लोग छोड़कर चले गए हैं नाम, मतलब मतदाता सूची से डिलीट होना, नए लोगों का नाम जोड़ना, ये सब काम होता है। इस काम को जो फॉर्म भर देते हैं नए लोग, उसके सात दिन के बाद ये अप टू डेट किया जाता है, मतलब 7 दिन तक में अपडेट हो जाता है। उसके कुछ दिन के बाद वो फाइनल प्रकाशित हो जाता है कि ये है मतदाता सूची का नाम, मतलब पूरे जिले वार वाइज, स्टेट वाइज, विधानसभा वाइज, हर जगह हो जाता है। इस बार अभी हाल फिलहाल में ही हुआ है आपका लोकसभा, उस समय मतदाता सूची कार्यक्रम चला। अब 22 जनवरी को उसका मतलब प्रिंट हुआ फाइनल। अब 22 जनवरी के बाद परिस्थितियां क्या बदली, नियमता क्या है कि 25 जुलाई से और 9 अगस्त तक
ये आपका रिवीजन वर्क चलेगा। तो अभी क्या चल रहा है, ये प्री रिवीजन है। अच्छा, तो ये प्री रिवीजन है और 25 जुलाई से 9 अगस्त तक ये जो है आधिकारिक तौर पे ये टाइम है झारखंड का, इसमें डिलीट होना, नया नाम जुड़ना। अब जब ये टीम आई थी, पहले तो उन्होंने सबको बधाई दी कि भाई आपने बहुत अच्छा इलेक्शन कंडक्ट कराया झारखंड में और पीसफुल कराया। और इस बार उन्होंने कहा कि जो भी यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, जो एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, उन सब का 100% कीजिए। बीएलओ को बोलिए घर घर जाकर एक भी लोग ना छूटे, चाहे वो दिव्यांग, हाँ चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो आश्रम में रहता हो, कोई भी अगर वोटिंग देने के लिए एलिजिबल है उन सब का नाम जोड़िए। वो तो ठीक है, आज सब कुछ कहा गया, लेकिन आज की बैठक के बाद की क्या ये मान लिया जाए कि सचमुच में समय से पहले चुनाव होंगे? देखिए, अधिकारियों ने इस तरीके का कुछ कहा नहीं उपायुक्तों को जिससे ये आकलन किया जाए। उन्होंने अपने बातचीत में ये कहा कि मतलब आपके पास ज़्यादा समय नहीं है, 3 से 4 महीने हैं, तो 3 से 4 महीने में अगर उसका आकलन करेंगे तो उस अनुसार से 16 अगस्त तक यहाँ झारखंड में फाइनल मतलब फॉर्म वॉर्म जो भरा हुआ है वो आ जाएगा। 20 अगस्त को जो 20 अगस्त को प्रिंट होना है, 20 अगस्त जो 2024 है झारखंड में, यहाँ फाइनल लिस्ट प्रिंट हो जाएगा। तो 20 अगस्त के बाद चुनाव आयोग के पास कभी भी कराने का विकल्प है। 20 अगस्त को जब फाइनल लिस्ट बन जाएगा विधानसभा बार वाइज की इतने नए वोटर ऐड हुए, इतने डिलीट हुए, इतने ये हुए, तो अब ये माना जा रहा है कि क्यों ये जल्दी कराएंगे, क्योंकि 3 स्टेट एक साथ हैं। सुप्रियो भट्टाचार्य जी अपनी नाराजगी तो इसलिए, क्या सुप्रियो भट्टाचार्य का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी मसले पर था, चुनाव आयोग के दौरे पर था? हाँ बिल्कुल, उनकी नाराजगी दरअसल इस बात को लेकर थी कि चुनाव होने से पहले तमाम जो जैसे अधिकारियों से मुलाकात करती है आयोग की टीम, उसी तरह दलों के भी नेताओं से रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करती है, उनकी भी आपत्ति विपत्ति सुझाव को लेती है। लेकिन पिछले बार झारखंड में लोकसभा के चुनाव के दौरान ऐसी कोई भी बैठक नहीं हुई, ठीक है, मतलब लोकसभा चुनाव से पहले, हाँ लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में किसी भी दल को निमंत्रण मतलब नहीं दी और ना ही बुलाया गया। मान लीजिए पटना में बैठक हुआ तो बंगाल में हुआ तो वहां पे अगर आप बुला के भी करा सकते थे, या आप झारखंड में आते पहले इनका सुझाव लेते, तो वो एक तरीका है। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि जब हमारे सरकार के पास समय है, समय इसलिए है क्योंकि इनका कार्यकाल जनवरी में पूरा होगा, 5 जनवरी के आसपास इस सरकार का 5 साल पूरा होता है नियमतः, तो उससे पहले कराना है, तो इतनी हड़बड़ी क्यों है कि अक्टूबर में ही इसको संपन्न कराया जाए? इसका मतलब सरकार जो योजनाएं ला रही है उसको रोकने की कोशिश है। अगर इलेक्शन घोषणा हो जाएगी तो सरकार नहीं ला पाएगी, लेकिन पार्टी के अलावा हेमंत सोरेन की भी सरकार ये मानती है कि चुनाव हर हाल में जल्दी होगा। जेल से निकलते ही हेमंत जी ने ये कहा कि हम लोग तैयार हैं, जब कराना है चुनाव करा लो, सुपड़ा साफ हो जाएगा। दूसरा, एक्टिविटी में भी लग रहा है, जैसे कल ही वो पीजीटी को ज्वाइनिंग लेटर दे रहे हैं, अगले महीना से शुरू होने वाला जो 200 यूनिट बिजली फ्री है उसका नोटिफिकेशन भी आज ही हो गया। तो अब सरकार फास्ट गति में, 3 तारीख को ये गया संकल्प जारी हुआ है, हाँ तो ये क्या है कि फास्ट गति में है, तो वो सरकार भी मान के चल रही है कि मेरे पास जितने समय कम, है, बहुत कम, हाँ तो उसके अनुसार से किया जाए। और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो कह रही है कि चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, क्या जेएमएम 5 साल काम नहीं करके, सरकार काम नहीं करके ये दावा करे कि 2 महीने में ही मेरा काम होना था या अगले लेके 4 महीने में ही काम होना था, आप जल्दी चुनाव हो गया इस वजह से ये योजनाएं बच गई, तो ये तार्किक नहीं है, ऐसा मतलब बीजेपी जो कह रही है। तो आरोप और प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, लेकिन सरकार की तैयारी से भी यही लग रहा है, खुद बीजेपी की भी तैयारी से यही लग रहा है कि चुनाव जल्द से जल्द होंगे, क्योंकि उनके जो चुनाव प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, 100 प्रभारी, उनका 2 दौरा हो गया, 3रे की नंबर है, वो 14 और 16 को आ रहे हैं, तो ये लोग फास्ट मूव पे हैं।
बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी, हर जिले के प्रभारी, इन सबको घुमाया जा रहा है और कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया जा रहा है, जहां बूथ स्तर पे जो रिजल्ट अच्छा दिया उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो इस तरीके से ये चीज़ें की जा रही है। साथ ही साथ आज जब बाबूलाल मरांडी गए तो पॉलिटिकल मुद्दा को भी एक दिया, सिर्फ कार्यकर्ताओं से नहीं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पाकुड़ में कह दिया कि भाई यहाँ आदिवासियों की आबादी, संथाल की आबादी घट रही है, ये सरकारी आंकड़ा है, जनगणना का रिपोर्ट देख लीजिए, और मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। तो ये साथ ही साथ कार्यक्रम चल रहा है। इसी इन्हीं सारी विषयों को लेकर ऐसा लग रहा है कि चुनाव समय से या पिछले बार से पूर्व हो सकता है, मतलब इन तीनों स्टेट का, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, तीनों का एक साथ चुनाव कराया जाए, ऐसा मतलब लग रहा है कि हो सकता है। 2019 में आपको एक बार याद दिला दें, हालांकि आपको पता ही होगा, 5 चरण में झारखंड में विधानसभा का चुनाव हुआ था। 30 नवंबर को पहले फेज का इलेक्शन था, उसके बाद 7 दिसंबर, उसके बाद 12 दिसंबर, उसके बाद 16 दिसंबर और उसके बाद 20 दिसंबर को। 23 दिसंबर को रिजल्ट आ गया था, 27 दिसंबर को जो है विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होना था, जो डिटेल अभी हम लोग निकाल पाए हैं इंटरनेट से उसके अनुसार। आज जो बैठक हुई है, ये बैठक द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम, मतलब आप समझिए कि ये अंतिम है और इसके बाद अब चुनाव होना ही है। और पांडे जी जैसा बता रहे हैं कि अन्य दूसरे राज्य में जहां पर झारखंड से पहले चुनाव होने हैं वहां भी ये कार्यक्रम अभी अंतिम तौर पे चल रहा है, इसलिए ये मान के चला जा रहा है कि चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। लेकिन इस बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारी रांची में थे, पतरातू में बैठक कर रहे थे, उसी दौरान उन पर आक्रामक होकर बोल रहे थे। भाजपा के तरफ से भी बयान आ गया है, भाजपा के रमाकांत महतो का एक प्रेस रिलीज आया है, वे कह रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा डर गई है विधानसभा चुनाव से। जबकि हेमंत सोरेन जी जब जेल से बाहर निकले थे तब बोल रहे थे कि जब चाहे चुनाव करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा, लेकिन अब तो इन लोगों को पता चल रहा है। नहीं देखिए, ये तो इन लोगों का पॉलिटिकल बयान है। जेएमएम का ये कहना है कि लोकसभा अपने निर्धारित समय पे हुआ, ठीक है, और ये पार्ट टू क्यों इसका नाम दे रहे निर्वाचन आयोग, क्योंकि इसी साल पार्ट वन आयोग ने किया, मतदाता पुनरीक्षण का काम तो हुआ लोकसभा को लेकर, तो इसीलिए इसको पार्ट टू के तौर पे कहा जाता है या देखा भी जाता है। तो लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो मैंने आपको बताया कि पहले महाराष्ट्र हरियाणा एक साथ हो जाते थे और उसके बाद झारखंड का होता था, इस बार जब चुनाव आयोग ने सारे अधिकारियों को कहा कि नहीं, मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम साथ ही शुरू कीजिए, तो उन्होंने महाराष्ट्र के भी अधिकारियों को आदेश दिया, झारखंड के भी दिया और हरियाणा के भी दिया। तो जब तीनों को एक साथ आदेश दिया तो ये माना जा रहा है कि तीनों का एक साथ इलेक्शन कराने के विचार चल रहा है चुनाव आयोग का। नहीं तो हो सकता है 1 महीने बाद देते, 2 महीने बाद देते कि आप भाई मतदाता पुनः। ये तेजी सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अधिकारियों में नहीं दिख रही है। आप देखिए कि बीजेपी, जिस पर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आरोप सीधे तौर पर लगाया है और कहा है कि सीबीआई और ईडी के बाद ईसीआई भी अब इनके इशारे पर काम कर रही है। तो जैसे ही लोकसभा चुनाव खत्म हुए, अभी सभी पार्टियां जो है अपने अपने स्तर पर उसका मूल्यांकन ही कर रही थी कि कहां मजबूत रहे, कहां कमजोर रहे, कैसे हारे, कैसे जीते, तब तक झारखंड में चुनाव प्रभारी बना दिया गया शिवराज सिंह चौहान को, सह चुनाव प्रभारी बना दिया गया हेमंता बिश्व शर्मा को। उस तेजी को भी देखते हुए लग रहा है कि बीजेपी तो लगी हुई है कि जल्द ही चुनाव हो जाए। हाँ, वो एक कारण है ना, उन लोगों ने महाराष्ट्र में भी नियुक्त किया, हरियाणा में भी नियुक्त किया चुनाव, हाँ, चुनाव प्रभारी, सह प्रभारी, तो जितने स्टेट में अभी चुनाव होने वाले हैं उन सब में उन्होंने नियुक्ति कर दिया, पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर अपनी तैयारी मुकम्मल कर दी। और सबसे अहम सवाल ये है कि पिछली बार 5 फेज में इलेक्शन हुआ था, लेकिन इस बार कहा जा रहा है कि झारखंड में मैक्सिमम 2 या 3 फेज में इलेक्शन हो जाएंगे। इसके पीछे का कारण क्या है कि 5 फेज इसलिए कराया जाता था कि नक्सलिज्म उस समय बहुत ज़्यादा था, अब बहुत हद तक कम हो गया है, बहुत कुछ सीमित इलाके तक कंट्रोल है, यही वजह है कि कम फेज में चुनाव होंगे। नहीं, ये तो तर्क है, 2019 में नक्सलवाद कहाँ था, बीजेपी दावा करती थी कि 14 से 19 के बीच में नक्सलवाद को लगभग खत्म कर दिया गया है, एक भी घटनाएं नहीं हुई है बड़ी। के कागार पर था, अभी जिस तरह से बूढ़ा पहाड़ पर आज़ादी के बाद पहली बार कोई अधिकारी पहुंचे तो उस वो पूरा इलाका खाली करवा लिया गया, अब कहा जा रहा है कि सिर्फ चाईबासा और सारंडा के इलाकों में कुछ नक्सली बचे हैं।
देखिए इससे कई बड़े बड़े स्टेट में एक फेज में इलेक्शन हो जा रहा है, ठीक है। चुनाव आयोग चूंकि यहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसा है कि कई जगह आज भी आपको मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर देना पड़ता है, कई जगह घंटों पैदल चलना पड़ता है तब वहाँ पे पुलिस वाले और मतदान कर्मी पहुँचते हैं, उसके बाद होगा। तो पहाड़ी इलाका है, हाँ। और दूसरी तीसरी बात है कि भाई नक्सलवाद है, तो लेकिन क्या फेज में अंतर करने से किसी को लाभ और किसी को हानि हो सकती है क्या? मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा, तो ये जब फेज घटेगा तो जिसके पास सबसे ज्यादा संसाधन रहेगा वो ज्यादा लाभान्वित होगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी ज्यादा लाभान्वित होगी? जिसके पास संसाधन होगा, जो भी दल है, तो अभी उनके पास सबसे ज्यादा संसाधन है तो उनको ज्यादा बेनिफिट होता दिखता है। आप कैसे? आपको बता देते हैं, उनके पास स्टार प्रचारकों की अच्छी खासी सूची है, हेलीकॉप्टर अगर उनके उड़ेंगे 2-3, अगर उससे भी ज्यादा जरूरत पड़ी हर जगह। अब क्या होता है कि जो रीजनल पार्टियां हैं वो क्या करती हैं कि एक फेज पे कंसंट्रेट करती हैं, वहां जब कम होता है तब दूसरे फेज पे आती हैं, दूसरे फेज के बाद तब तीसरे, जो अभी इसी साल आपको देखने को मिला। तो अगर एक ही साथ सब पूरा इलेक्शन करा दिया जाए, जैसे दूसरे स्टेट में होता है, या मतलब दो फेज में करा दिया जाए या तीन फेज, तो उसको एडजस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है उन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए जो रिसोर्सेज में कम है। लेकिन अब चूंकि जेएमएम सत्ता में है इतने वर्षों से रही, तो ऐसा नहीं लगता कि वो रिसोर्सेज से कम होगी, लेकिन हाँ अगर फेज कम हुए तो जो चुनाव का उत्साह और जो आपको इस बार लोकसभा में दिखा कि बहुत बोरिंग सा लंबा चुनाव हुआ, वो एहसास हुआ, हालांकि उसमें गर्मी भी एक बहुत बड़ी वजह थी, तो क्या वो थकाऊ पकाऊ चुनाव इस बार भी होगा, या इस बार 2-3 फेज में करा के चुनाव आयोग निपट जाएगी? इन सब की तैयारी चल रही है और इसी पे चर्चा का विषय बनेगा। आज भी चुनाव आयोग की टीम आई, मान लीजिए उसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी रुक गए हैं, अगर प्रिंसिपल सेक्रेटरी रुक गए हैं तो अब उनका कल कार्यक्रम होगा किसी भी शहरी इलाका में, या इलेक्शन करेंगे वहाँ बूथ पे जाके देखेंगे, या जो उन चुनाव आयोग के पास कंप्लेन आया होगा कि डिलीट हो जाता है नाम या ये सब, तो उसका एक वो स्पॉन्टेनियस किसी भी जगह पे वो एक तरीके का काम है देखना, क्रॉस चेक करना कि वो हो रहा है, कि ये गलत हुआ है या जो शिकायतें मिल रही है वो वाकई में सही है या गलत है, या एक बूथ पे ज़्यादा भीड़ हो रहा है, एक कॉलोनी में ज़्यादा लोग लंबी लाइन देखने को मिल रहा है, दूसरे में नहीं, और एक नया मतदान केंद्र बना दे, ये सब वो लोग मतलब एक तरीके से अपना काम करते हैं। लेकिन चुनाव आयोग अगर अभी यहाँ के राजनीतिक दलों के भी नेताओं से, मान लीजिए एक दिवसीय दो दिवसीय दौरा कल ही आ गया, आज बैठक की चले गए, अगर ये आज भी रुक जाते, कल अगर चुनाव आयोग यहाँ के दलों से बैठक कर लेते तो ये माना जाता, या इस तरीके की उसकी मतलब प्रतिशत में कहें, अनुमान में ज़्यादा वृद्धि होती कि हाँ चुनाव हरियाणा और महाराष्ट्र के साथ होंगे। आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी चुनाव आयोग भले ही तैयारी करके अपनी रख रहा है, 20 अगस्त तक जब फाइनल प्रिंट हो जाएगा उसके बाद इसका फैसला लिया जाएगा, मतलब 15 अगस्त के बाद। लेकिन उसके बाद कई सारी चीज़ें हैं जो आप देखिए, दुर्गा पूजा है, मतलब पूरा फेस्टिवल शुरू हो जाएगा, छठ है, तो उसमें कहाँ गैप देना होगा, कहाँ कितने महीने पहले तक घोषणा हो सकती है? 6 महीने पहले जो डेट, हाँ डेट है, उसके 6 महीना पहले पूर्व जो है से चुनाव आयोग कभी भी करा सकता है। अच्छा, 6 महीना पहले करा सकता है? हाँ, वो उसमें कोई बॉन्डिंग नहीं है कि इतना दिन पूरा हो जाएगा उसके बाद ही चुनाव होगा। पिछली बार मैं देख रहा था कि 30 नवंबर को फर्स्ट फेज का था और शायद 1 नवंबर को घोषणा हुआ था। हाँ, घोषणा हुई थी, मतलब 25 जुलाई से 9 अगस्त तक में, जो माफ कीजिएगा, 30 नवंबर से 20 दिसंबर में, जैसे 30 नवंबर को फर्स्ट पोल हुआ था और 23 दिसंबर को काउंटिंग हो गई थी, 27 को सरकार ने अपना दावा पेश कर दिया, मतलब गठन हो गया, 5 जनवरी को ऐसे दिन पूरा होता है, मतलब अगर देखें तो ये सरकार का भी जो अभी कार्यकाल है ये आप देखेंगे तो नियमतः ये 5 जनवरी 2025
तक से पहले कराया जा सकता है। अब चुनाव आयोग 5 जनवरी 2025 के 6 महीना पूर्व कभी भी करा सकती है, उसमें मतलब उनको ये एक अधिकार है, ये नियम है। फिलहाल की तैयारी देखकर आपको नहीं लग रहा है कि अभी बहुत जल्द, जिस तरह से अक्टूबर को लेकर चर्चा है, उसमें नहीं होने जा रहा? उसमें इसलिए नहीं होने जा रहा है क्योंकि मैं मानता हूं कि जब 20 अगस्त को फाइनल लिस्ट प्रिंट होगा तो अगस्त तो खत्म हो गया, अब बचा आपके पास सितंबर और अक्टूबर। लेकिन एक चीज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार बोल रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, मतलब पूरे भारत में एक ही साथ हर स्टेट का चुनाव हो, ऐसा होगा तो इतने पैसे बचेंगे, ये देश के लिए अच्छा होगा। तो उस पे जो पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी भी बनी थी, रिपोर्ट भी आ गया, हालांकि अभी वो उस तरीके से एक्सक्यूट नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए ये तीनों जो स्टेट हैं, जो दो हमारे पहले होते हैं महाराष्ट्र हरियाणा के, तो ये एक अगर झारखंड बचा है तो एक महीना गैप ना करके ये माना जा रहा है कि साथ ही कराया जा सकता है। तो इसलिए ये मानकर मतलब सभी दल चल रहे हैं और ये चर्चाएं हो रही है कि पूर्व निर्धारित जो समय या पिछली बार से पहले हो सकता है चुनाव। तो पिछली बार नवंबर गया था, तो इस बार अगस्त खत्म हुआ तो सितंबर, तो अक्टूबर में चुनाव हो सकते हैं, यही वजह है कि चर्चा हो रही है। हाँ, इसी वजह से ये माना जा रहा है कि अक्टूबर में हो जाएगा, सितंबर में अनाउंसमेंट हो जाएगा, ये माना जा रहा है। अगर महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ होता है तब तो फिर सितंबर में इनको घोषणा करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भले ही 5 जनवरी को पूरा हो रहा है लेकिन वहाँ 3 नवंबर को ही डेट हो जा रहा है, तो 3 नवंबर तक तो आपको काउंटिंग करके दे देना होगा सरकार का। तो बिल्कुल, देखिए चुनाव आयोग की टीम आज रांची में थी, दो जो मुख्य व्यक्ति थे वो तो रांची से लौट गए, जो उप निर्वाचन पदाधिकारी थे धर्मेंद्र शर्मा और नीतेश व्यास, लेकिन कुछ चुनाव आयोग के जो पदाधिकारी हैं वो अभी भी रांची में हैं, वो कल रांची के कई जगह पर हो सकता है कि दौरा करेंगे। और चुनाव आयोग की टीम आने के बाद ये चर्चा जोर पकड़ ली है कि क्या समय से पहले झारखंड में चुनाव होंगे। सरकार के कामों की तेज़ी झारखंड सरकार के देखते हुए भी लग रहा है कि सरकार भी चाहती है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सके, जो कि चुनाव में जाना है। जनता फिर से पूछेगी कि आप मेरे लिए क्या किए नहीं किए, और हर कोई रेस है और इसी रेस के बीच ये चर्चा है। और आप के बीच क्या चर्चा है आप ये बताइएगा। हम लोगों ने ये पूरा तथ्य के तौर पर ये बातें रखी कि आखिर चुनाव आयोग की टीम की तैयारी क्या कर रही है, पॉलिटिकल पार्टियों के बयान क्या कह रहे हैं और क्या हो सकते हैं। शुक्रिया।